नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर एक बार फिर से भारी चेतावनी जारी कर दी है, जिनमें मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई और राज्य भी शामिल है जिनमें बारिश होने की संभावना है और जिनके कारण देश भर में एक बार फिर से भारी चेतावनी जारी करते हुए लोगों को भी सतर्क रहने को कह दिया है। तो एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, कहाँ पर बारिश होगी और कहाँ पर जो है मौसम विभाग ने भारी अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कह दिया है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गांव का नाम जहां पर आप रहते हैं कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम सहित अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात, कोंकण और गोवा सहित तटीय कर्नाटक, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी पूरी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं तेलंगाना के शेष हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, शेष पूर्व उत्तर भारत और लद्दाख में भी जो है हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी पूरी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। वहीं दोस्तों बात करें कि देश भर का मौसमी सिस्टम क्या कहता है, तो पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बना एक डिप्रेशन पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ चुका है और अब यह जो है उत्तर पश्चिमी और उसे सटे उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर है, जबकि यह एक पश्चिमी में जो है दूर जाना जारी रखने वाला है। मानसून की ट्रफ रेखा भी डिप्रेशन में जो है केंद्र से गुजरते हुए उदयपुर, ग्वालियर, सतना, रांची, दीघा से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जबकि एक पूर्व पश्चिमी विंड शियर जोन मध्य भारत के ऊपर लगभग 24 डिग्री के उत्तर में चल रहा है, जबकि एक समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ रेखा है जो दक्षिणी गुजरात तट से केरल तट तक जो है फैल चुकी है, जबकि गंगे, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर बीच तक जो है फैल चुका है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान जो है संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई है और कहां पर आंधी तूफान देखने को मिला है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कोंकण और गोवा में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि झारखंड, तटीय ओडिशा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। गुजरात, कोंकण और गोवा सहित तटीय कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा के शेष हिस्सों में, राजस्थान के शेष हिस्सों में, असम, मेघालय और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और बिहार सहित पूरी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा चुकी है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आप किस क्षेत्र से हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।